मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है वाणी से पहचान। एक समय की बात है, एक राजा जंगल में भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते राजा को प्यास लगी। पानी के लिए इधर उधर नजर डालने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जहाँ एक अंधा बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था और उसके पास ही जल से भरा एक मटका रखा था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति के पास जाए और एक लोटा जल लेकर आए। सिपाही इस व्यक्ति के पास गए और उससे कहा, अंधे एक लोटे पानी दे दे। नेत्रहीन व्यक्ति तुरंत अकद कर बोला, चल 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 यहाँ से, तेरे जैसा से मैं नहीं डलता। तुम लोगों को एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा। सिपाही निराश होकर लौट आए। उसके बाद राजा ने सेनापति की पानी लाने के लिए भेजा। सेनापति उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, ए बुद्धे, पानी दे दे, तुझे बहुत सारी लखन इनाम मिलेगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा, यह शायद पहले वाला का सरदार मालूम पड़ता है। वह गुस्से से बोला, चल निकल यहाँ से, नहीं मिलेगा पानी तुझे। इस तरह सेनापति को भी खाली हाथ वापस लौटाना पड़ा। सेनापति को खाली हाथ वापस बस आता देख खलाजा सर चल पड़े उसे व्यक्ति के पास पानी मांगने। उस रद्दजन जन के पास पहुंचकर सबसे पहले राजा ने उसे प्रणाम किया और खा प्यास से गला सूख ख, ख उन्हें नहीं पास गला सूख उन्हें पास बिठाया और कहा, आप जैसे स्थल व्यक्ति को राजा जैसा आदर प्राप्त होना चाहिए। एक लोटा जल क्यों मेरा सब सेवा में हाजिर है, कोई और सेवा एवा हो तो बताइए। राजा ने शीतल तो जल से अपनी प्यास बुझाई, फिर नर्म वाणी से पूछा कि आपको तो दिखाई नहीं पड़ा, फिर आपने जल मांगने और आए लोगों को कैसे पहचान लिया। उस नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, वाणी से हर व्यक्ति के सत्र का पता चल ही जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी जिसका नाम है वाणी से पहचान। तो ये कहानी आप भी सुनिए। और तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मिलेगा आपको एक नई वीडियो में। जब तक के टाटा बाय बाय।